संतोष डिसाइड करेगी कि कौन कौन चलेगा सीरत के ब्याह में। सुधा दीदी, आप, मैं, सीरत, ओह उसका तो ब्याह है, साहिबा और किरत। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। हैं? ओ पुत्र, ओ चल तू हमारे साथ में, तू ब्याह में मत शामिल हो ना बस। क्यों साहिबा दी, ब्याह में क्यों नहीं शामिल होंगी? लो जी, अंग्रेजी का टीचर पूछ रहा है ABCD कैसे लिखते हैं। खुदती, तुझे पता है ना साहिबा और अंगद की कितनी गहरी दोस्ती है। आप देख ली कितना लड़ते रहते हैं दोनों। मैं भी तो इसीलिए कह रही हूँ ना मम्मी कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं यहीं रुकती हूँ। ओ पुत्र, तू नहीं चलेगी तो फिर वहां पर सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? जब सच आपकी जुबान पे ही रहता है तो झूठ बोलने में इतनी मेहनत क्यों करती हो? सीधा सीधा पहले ही बोल देती कि हमें एक नौकरानी चाहिए साहिबा पुत्र। ओए खुदी, तमीज तो चुप करेगी। नौकरानी समझती हूँ मैं अपनी बेटी को? नौकरानी समझती हूँ अपनी बेटी को? शांति से बैठो यार। ओए ब्लड प्रेशर मेरा हाई कर दे। अरे यार मम्मी छोड़ो ये सब, और क्या ही जरूरत पड़ेगी साहिबा की वहाँ पे? हाँ वो वेडिंग प्लानर लकी अरोड़ा है ना, उसने ना सब कुछ संभाल लेना है। हाँ नहीं तो तीरथ नहीं चाहती कि साहिबा हो उसकी शादी में मौजूद, नहीं तो वो भाग नहीं पाएगी गैरी के साथ। कोई स्यापा नहीं चाहिए। अगर साहिबा वहाँ हुई तो मैं गैरी के साथ भाग ही नहीं पाऊंगी। सबकी नजर से बच सकती हूँ लेकिन साहिबा की नजर से नहीं। एक गल मेरी समझ नहीं आ रही, वो अपनी सगी बड़ी बहन का ब्याह है और छोटी नहीं जा सकती। ये ब्याह आया स्वा। ओए लगता है मेरे गहने आ गए। ऐसे कैसे? कोई गल नहीं जी, मैं तो ऐसे ही भटक रहा था, ये तो आपने मेरा टाइम बचा दिया, थैंक यू जी। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। अंगद का छोटा भाई पहुंचा संतोष के घर। ये तो वीर है। मम्मी यार कलेश पै गया। क्यों होया? अंगद का छोटा भाई वीर आया। ओए कहीं बुलारों को पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ओए मैं क्या करूँ? मैं जाके देखती हूँ। चलो चलो यूज़ वो सब